बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए, हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, मेरे दिल की। देखिए, 1.5-2 साल का बच्चा संभालना कुछ छोटी जिम्मेदारी तो नहीं ना? वो टीवी पे औरतें क्या कहती हैं, फुल टाइम जॉब है। क्या बात है पुत्र, मुझे अपनी सहेली समझ के ही बता दे, दिल पर ज्यादा बोझ नहीं रखते। हाँ खुदा का वास्ता नासिर, अभी आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको फोन करूंगी। फोन तो खराब है तुम्हारा। कौन है बाजी? कौन कुड़ी है वो? कोई ना पता भी है उसका के नहीं? मरियम नाम है उसका, भाभी की सहेली है वो। ला जी, अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। तो ये सारा चक्कर आमना का चलाया हुआ है, ये उसकी चाल है। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। नासिर ने मुझे अपने दिल की बात बता दी है, अब तू भी सच सच बता दे तेरे दिल में क्या है। तू भी मोहब्बत करती है नासिर से? मैं नहीं जानती मोहब्बत क्या होती है। मैं तो आज तक सिर्फ अम्मी, अबू, दादी और भाइयों से प्यार करने को ही मोहब्बत समझती रही, कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। फिर जाने कब उन दो आंखों ने मेरा ताकब करना शुरू कर दिया, उठते बैठते, सोते जागते, आते जाते, मैं तो हर लम्हा जैसे उन दो आंखों से निकलने वाली रोशनी में ही नहाए रहती। और अब उस रोशनी से निकलकर अंधेरों में नहीं जाना चाहती मैं आमना। यकीन जानो, ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ। कब हो गया, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती। मेरी सास तो कभी नहीं मानेगी। तेरे घर वाले मान जाएंगे? पता नहीं, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या है माजी? इधर सब तो नहीं, दर्द कदों मेरी जान छटेगा। चलो उठो माजी, डॉक्टर पे चलते हैं। ना ना पुत्र, ना ना पुत्र, डॉक्टर तो फौरन ही टीका लगा देते हैं। मैंने नहीं जाना पुत्र, ना बस दवाइयाँ आ गई हैं ना, आप ही ठीक हो जाएगा। अच्छा खैर से पुत्र, तू जल्दी आ गया घर, तो वो नासर नहीं आया तेरे साथ? वो बाहर खाबे खा रहा है अपने यारों के साथ बैठ के, दोपहर को ही निकल गया था दुकान से। देख लो माँ जी, ऐसे काम नहीं चलते हैं, बता देना उसको ही। और क्या। अच्छा इसीलिए शाम को वो जल्दी घर आ गया था। अच्छा उसको तो अपने ब्याह का शौक चढ़ा हुआ है, मैंने भी कह दिया जा ले आ बोटी। हाय मेरे नसीब में नूह का सुख थोड़ी है, ले आ। मैं तेरे लिए ना ताजा रोटी बना के लाती हैं। क्यों आमना नहीं आई अभी तक? सानू की पता भाई, आ जाएगी जब उसका दिल करेगा। ओए मर गई।
तू रोज इसी टाइम पे आती है घर? मैं देर से नहीं आई, आप जल्दी आ गए। देख आमना, ये ऐसे नहीं चलेगा। दो चार घंटे की बात है तो ठीक है, वरना छोड़ दे ये पार्लर शालर। मेरी माँ से चूल्हे हंडिया नहीं होती इस उम्र में। लियाकत, में जाती भी तो देर से हूँ और सारे काम करके जाती हूँ ताकि अम्मी को कोई मुश्किल ना हो, और वापस आते मैं किचन में दोबारा घुस जाती हूँ। तो मेरी माँ झूठ बोलती है। मुझे क्या पता, बोलती होंगी। बकवास ना कर मेरे सामने। तुझे इतना ही शौक है ना घूमने फिरने का, तो जाके बैठ जा अपने प्यो के घर। लियाकत, امور کے وزیر مملکت شہریار افریدی نے کہا ہے کہ حکومت انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ ابو لائیں میں پالش کر دیتی ہوں۔ پہلے کبھی میں نے تم سے جوتے پالش کروائے ہیں؟ بیٹیوں سے ایسے کام نہیں کرواتے، اور ویسے بھی پہلے تھوڑے کام کرتی ہے تو اس کار کے۔ لیکن میں آپ کا تو کوئی کام نہیں کرتی نا، میرا دل کرتا ہے میں آپ کے کام بھی کیا کروں، اور آپ مجھے کوئی کام کہتے ہی نہیں۔ یہ جو تو کام کرتی ہے نا، یہ میری کام ہے پتر، اور ویسے بھی اپنے گھر جا کے تو نے کام کاج ہی کرنا ہے۔ میں کہہ دیتا ہوں شمیم سے، بس بھائی بس، اب میری بیٹی سے خدمتیں کرانا چھوڑ دے، رب جانے اب اور کتنے دن ہے تو اس گھر میں۔ ابو باجی، باجی یہ ذرا میرا یونیفارم تو استری کر دے، میں ناشتہ کر لوں۔ او بھائی صاحب، اب اپنے کام خود کرنا شروع کرو تم لوگ، بس اب چھٹی دے دو میری تھی رانی کو۔ ابو تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، تو بیٹھ ناشتہ کر، میں کر دیتی ہوں۔ گل سن، آج گھر پہ ہی رہنا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آج تو دو دلہنوں کا میک اپ ہے، اپوائنٹمنٹ ہے ان کی، جلدی آ جاؤں گی میں۔ تو میں چھٹی کر لیتا ہوں، تو جا جا کے اپنی دلہنیں تیار کر۔ تو حرج بھی نہیں ہے اس میں، اختر اور ناصر ہوں گے نا دکان پر، اور ویسے بھی ماں کی خدمت کا پہلا فرض آپ کا بنتا ہے۔ خاص نہیں ہے، وہ دکھائیں ریڈ والا۔ کون سا؟ یہ والا۔ اب دیکھیں تو سن، یہ لو۔ لیاقت بھائی، اب تو ساری ریکوری ہو گئی ہے، وہ میری پچھلے مہینے کی تنخواہ ہی دے دے۔ اور یہ دکان ہے، عاشق مشوقوں کا اڈا نہیں ہے۔ اور میں نے نہیں مانگا نمبر، خود رکھ کے گئی ہیں وہ۔ اور ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، ہمیں تو کبھی کسی نے پرچیاں نہیں دی۔ اور چھوڑیں لیاقت بھائی، اور ناصر خوبصورت نوجوان ہے، ایسا ہو جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، غصہ نہ کریں۔ اور یہاں کام کرنا ہے نا تو شریفوں کی طرح کیا کر، اور پورا دھیان دیا کر، میرا نا بھی ڈبوئے گا پڑھ کے۔ دیکھیں سائرہ، آپ نے بلینڈنگ بالکل اچھی نہیں کی ہے، میری آنکھیں کتنی ہاریبل سی لگ رہی ہیں، اسے اتاریں پلیز۔ میں ٹھیک کر دیتی ہوں مسز یونس۔ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں، اسے ریموو کریں جلدی سے، میں خود ہی کر لوں گی گھر جا کر۔ ٹھیک ہے آمنا، ان کا آپ آئیز میک اپ ریموو کر دو۔
मिसेस यूनिस लास्ट चांस दें, मैं बहुत अच्छा मेकअप करूंगी आपका। ओके Yes, यही मैं चाहती थी। वेरी वेल डन आमना। थैंक यू। बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा बोल कफारा। मैंने अम्मा से बात कर ली है मरियम, वो एक दो दिन तक तुम्हारे घर आ जाएंगी। तुम अपने घर वालों को मना लोगी ना? क्या पता वो मेरे मनाने से पहले ही मान जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो मरियम, बहुत बर्दाश्त नहीं होता। क्या बर्दाश्त नहीं होता? और तुमसे दूरी, तुम मिल जाओगी तो ऐसा लगे कि सारी दुनिया मिल गई है। तुमने दुकान पे जाना शुरू किया? वैसे ये मोबाइल फोन भी बड़े काम की चीज है, और बंदे का दिल भी लगा रहता है और काम काज की फिक्र भी नहीं रहती। और नहीं नहीं मैं आपको तो नहीं कह रहा पाजी, आप तो मोबाइल फोन पर दुकान का हिसाब किताब कर रहे होंगे, मैं तो नासिर की बात कर रहा था। वो देखें, सारा दिन इसकी टिक टिक चलती रहती है, ऐसे लगता है कि दुकान पर आने वाली हर लड़की का फोन नंबर इसके मोबाइल में है। और पर इसमें नासिर बाबू का क्या कसूर है, उनकी उम्र ही ऐसी है। हम भी इसी उम्र से गुजरे हैं अख्तर, अब्बा जी के बाद पढ़ाई छोड़ के मैंने दुकान संभाली थी, लेकिन मजाल है जो आज तक काम के साथ कोई बेईमानी की हो। वाह भाजी वाह, आप तो मिसाली लोग हैं, आप जैसे लोग तो अपनी जवानी को संभाल के रखते हैं। हर कोई आप जैसा तो नहीं ना हो सकता। मैंने तो पहले ही कहा था नासिर बाऊ का हाथ गरम करके उससे साइन करवा लो, और लेकिन आपने तो उसको दुकान पे बिठा लिया। भाई हो तो आप जैसा, और मैं तो कह रहा था कि दुकान की बनी बनाई साख और इज्जत खराब ना हो जाए। मैं ज़रा बाकी के थान गिन लूँ, कल्ले बंदे का टाइम भी ज़्यादा ही लगता है।
चल बस कर, बड़ा अच्छा दबाती है तू मेरे पैर को भी और अपने दिल की पीड़ को भी। क्या मतलब दादी? मतलब ये कि तेरे दबाने से मेरे पैरों को आराम तो आ जाता है, लेकिन दिल के दर्द को दबाने से और बढ़ जाएगा। ऐसा ना कर मरियम। कैसी बातें कर रही हो दादी? तुझे नासर अच्छा लगता है ना? जी। तू क्या समझती है कि दादी को कख पता नहीं है इन बातों का? मैंने भी तेरे दादे के साथ इश्क किया है और धड़ल्ले से, सब जानती हूँ। दादी वो नासिर। क्या वो नासिर? तुम एक दूजे को प्यार करते हो ना, तो प्यार करना कोई गुनाह नहीं। हाँ अब्बा नहीं मानेंगे। और वो नासिर की अम्मी? ऐ तेरे अब्बू को तो मैं मना लूंगी, और बाकी रही नासिर की माँ, उसे भी देख लेंगे। हाँ मेरी बेटी, बस तू खुश रहा कर। हाँ नहीं आमना, ये अच्छी बात नहीं है। जब लियाकत ने मान लिया है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, तो तुझे अपने शौहर पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी आप आज जा रही है ना? कहाँ भेज रहे तो मुझे? मरियम के घर। और कहाँ? चले जाऊंगी मैं तेरी मरियम के घर भी। छेती किस बात की? छेती तो करनी है माँ जी, मैं आपको शाम को लेने आ रहा हूँ। देखना सर, तेरे लिए कुड़ी मैं अपनी पसंद की लेके आऊंगी, मैं तुझे बता दूँ। बिल्कुल तेरे वर्गी सोने तो चन्न वर्गी। अम्मी पूरे सियालकोट में मरियम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है। आप एक दफा देख तो आए। अच्छा चली जावांगी मैं तेरी मरियम दे घर भी, ओदी दादी दा पता करन दे बहाने चली जावांगी। पर तूने नहीं आना, मैं अकेली जाऊंगी। अच्छा नहीं आऊंगा, घर का तो पता है ना आपको। क्यों, मैं कभी आमना के पेवा के घर नहीं गई? उसी के ऊपर वाले कमरों में रहती है ना तेरी कुछ लगती। हाँ अम्मी, आपने उसी घर की बेटी लेके आनी अपनी बेटी के लिए। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।